नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इसमें वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये आप डिजाइन्स देख रहे हैं, इसका ये पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वो मैंने बताया पार्ट वन में। और ये पार्ट टू देख पा रहे, इसके आगे डिजाइन कैसे बनेगी वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ये ताना कैसे ताना था, माई कैसे गोती थी, उसके बारे में दोस्तों मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो वो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से माई गुथनी है, ताना तानना है, किस प्रकार से स्टार्टिंग करना है, वो सभी के बारे में आप पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधे चारपाई पे कि आगे के डिजाइन्स किस प्रकार से बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो ये डिजाइन्स देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पूरी मेरी लहर की डिजाइन्स है। सिर्फ ये डिजाइन में बीच में मैंने फूल बना कर दिखाई, दोनों तरफ आपको लहर मिलेगी। ये सिर्फ एक सिक्वेंस में मैंने लहर डाली है। और लहर के बारे में मैं आपको बता दिया था दोस्तों पहले भी, और पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाया था लहर का भी, चारपाई बनाई थी मैंने। तो लहर स्टार्टिंग से हम तीन रस्सी की करते हैं, फिर चार रस्सी की करते हैं और पांच रस्सी करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम लहर करते हैं और छह रस्सी की, जो भी रस्सियां हमारी हैं उसमें आप लहर की चारपाई में देखेंगे तो ज़्यादातर तीन की में मिलेगा, फिर चार या पांच छह में। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लहर डाल सकते हैं दोस्तों, कि चार का भी डाल सकते हैं, तीन की भी डाल सकते हैं, पांच की भी डाल सकते हैं, छह की भी डाल। और ये सभी लहर मैंने आपको डाल कर दिखाई है, चारपाई बना कर दिखाई है लहरों की मैंने, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से मैं पाँच की लहर का बनाया था, चार की लहर का किस प्रकार से बनाए हैं, तीन की लहर के, वो सभी चीज़ देख सकते हैं। पर्टिकुलर मैंने लहर की भी चारपाई बनाई है, उसमें सिर्फ लहर ही है, लहर को कैसे मोड़ते हैं वो सभी चीज़ मैंने बताया। और कई चारपाई में मैंने ऐसे बताया कि सेंटर में यहाँ पे डिजाइन बनाकर बताई थी और बाकी लहरें, उन लहरों में तीन की लहर में बनाया ना मैंने, चार की में, पांच की में, छह की में, सभी लहरों में मैंने बनाकर बताया आपको। और जो ये डिजाइन देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक चार की लहर में हमारी, और इसमें भी लहरों में भी आप डिजाइन बना सकते हैं दोस्तों, वो आपके ऊपर है कि किस प्रकार से डिजाइन बनानी है। इससे पहले यदि आप और डिजाइन की वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पे जाके, तो आपके लहरों की डिजाइन्स का मिल जाएगा। और उसमें डिजाइन से मैंने बनाकर दिखाई, यहाँ भी साइडों में डिजाइन बनाकर दिखाई मैंने, और ये ब्लॉक में आपको बंद करके दिखाया मैंने, और ब्लॉक के साथ साथ ये डिजाइन लहर हमारी ये भी मोड़ कर दिखाया दोस्तों। और किसी किसी चारपाई मैंने बगैर लहर मोड़े ही दिखाए मैंने, कि एक तरफ मैंने लहर मोड़ दिया, इस तरफ ये सीधी लहर हमारी चल रही है, तो इस प्रकार भी मैंने बताया दोस्तों। अब ये है कि आपको कौन सी डिजाइन्स अच्छी लगती है या कौन सी लहर अच्छी लगती है, वो आपके ऊपर है दोस्तों, वो सभी आप बना सकते हैं। कि जो भी डिजाइन्स आपको अच्छी लगेगी वो फूल की डिजाइन भी बना सकते हैं, या यदि लहर की डिजाइन्स आपको अच्छी लगती है तो वो भी आप बना सकते हैं, ये सभी आपके ऊपर है दोस्तों। आपको कौन सी डिजाइन्स अच्छी लगती है वो आपको बनाना है, और मेरा काम है दोस्तों आपको सिखाना। और सीखना तो खैर दोस्तों आपको वैसे तो सिर्फ बताना है कि ये डिजाइन हमारी ऐसी बनेगी, बताने का काम है दोस्तों, और सीखना सभी आपके ऊपर है। तो उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे चैनल पे जो वीडियो देखेंगे उसके माध्यम से दोस्तों आप सीख सकते हैं, और बाकी तो सीखना आपका ही काम है दोस्तों, क्योंकि आपको ही सीखना है। हम तो सिर्फ आपको बता ही सकते हैं कि किस प्रकार से डिजाइन बनानी है, वो सभी चीज़ हम बता सकते हैं दोस्तों, कि किस प्रकार से आपको डिजाइन बनानी है दोस्तों, तो वो आप बना सकते हैं और सीख सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो ये सीक्वेंस आपको चेंज होता भी नजर आएगा। तो धीरे धीरे मैं एक एक रस्सी इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप एक एक रस्सी के माध्यम से आप चारपाई बनाना सीख सकें। और कई दोस्त हमारे सीख भी गए हैं, कि बहुत से दोस्तों कमेंट आ रहा है कि आपकी ये डिजाइन हमने सीख लिया है। तो यदि आपने भी सीखा है दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने ये डिजाइन सीखा है। और यदि नहीं सीखा है तो आप चैनल पे जाकर देखेंगे तो आपको आसान से आसान मिलेगी डिजाइन्स,
और यदि थोड़ी और भी डिजाइन चाहिए तो बहुत सी डिजाइन बनेगी। मैंने बहुत सी डिजाइन बनाई, कम से कम भी 300-400 डिजाइन बनाई दोस्तों। और वैसे मैं हर बार आपको नई डिजाइन सिखाता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो उसमें हर बार दोस्तों आपको नई ही डिजाइन मिलेगी। कोई भी मैं सेम डिजाइन नहीं बताता हूँ आपको, अलग अलग डिजाइन सिखाता हूँ। वो डिजाइन दोस्तों क्या है कि हमारे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में आती हैं दोस्तों। तो ये रिक्वेस्ट आपसे, जब भी आप वीडियो देखें तो अंत तक देखें और सभी पार्ट देखें तो ही दोस्तों आपको समझ में आएगी बात। यदि आप पार्ट मिस करेंगे तो आपको, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो नहीं बनाता कभी भी, कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं पार्ट वन, टू, थ्री, फोर, फाइव तक बनाता हूँ दोस्तों। कई बार डिजाइन हमारी ज़्यादा बढ़िया आ जाती है तो पाँच पार्ट भी बनाता हूँ दोस्तों, या ज़्यादातर आपको तीन पार्टों में ही मिलेगी, तो वो सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। कई दोस्त हमारे होते हैं वो एक पार्ट देख लेते हैं दूसरा पार्ट नहीं देख पाते, या फिर दो पार्ट देख लेते हैं तीसरा नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखें दोस्तों तो सभी पार्ट देखें आप, तभी आपको पूरी डिजाइन समझ में आएगी। क्योंकि एक बार आप एक पार्ट देखेंगे तो उसमें डिजाइन नहीं समझ में आएगी दोस्तों। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप देखें तो अंत तक पूरी ही डिजाइन आप देखेंगे दोस्तों, तो ये आप समझ पाएंगे कि कहाँ से कौन सी डिजाइन हमारी बनी है। तो ये सभी बातों का आपको, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों, तभी आप डिजाइन बना पाएंगे। और हर डिजाइन से मैं रस्सी भी बताता हूँ दोस्तों, सिर्फ आपको रस्सियों का क्या है कि बीच में ही हमारी ये सीक्वेंस, ये और ये ब्लॉक दिख पा रहा होगा, इसी ब्लॉक में हमारी रस्सियाँ चेंज होती हैं और बाकी निश्चित ये सीक्वेंस में चल रही हैं। सिर्फ आगे कुछ नहीं करना कि चार दबानी है और चार रस्सी उठानी, बस चार दबाई चार उठाई, चार दबाई चार उठाई, इसी ब्लॉक में ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जो सेंटर का फूल है ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कोई भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो, उसी ब्लॉक का ही आपको ध्यान रखना है और उसी में ही डिजाइंस बनानी दोस्तों। बाकी सीक्वेंस में आप लहर बनाएंगे, सिर्फ लहर की इसलिए बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, क्योंकि आसानी से आप लहर बना पाएंगे और ज़्यादा गलती भी नहीं होती लहर के में, क्योंकि लहर में हमें पता भी चल जाता है कि कौन सी रस्सी हमने गलत किया है। देखो ये लहर अभी इधर जा रही है, ये लहर इधर जा रही है, तो ये ब्लॉक और ये देखेंगे तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक एक हमारा ब्लॉक बनेगा, इसमें ही हमारी डिजाइन बनेगी दोस्तों, और बाकी ये सभी लहर जा रही। इसलिए लहर की बता रहा हूँ, क्या कि लहर डालने में आसानी होती है, बाकी लहर भी मान लीजिए कहीं गलती हो जाए तो लहर का आपका पता चल जाएगा। गलती होने पर क्या होगा दोस्तों कि लहर हमारी इधर उधर जाएगी, कि हम मान लो इधर जा रहे हैं तो लहर या तो इधर मुड़ जाएगी या फिर एक ज़्यादा हो जाएगी रस्सी। तो इस प्रकार से आपको लहर का अंदाज़ा लग जाएगा कि हम गलत लहर तो नहीं डाल रहे हैं। ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूँ मैं, यदि आपको चारपाई में नाम लिखना सीखना है दोस्तों, चाहे आप हिंदी में सीखो या इंग्लिश में सीखो, दोनों के बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया कि नाम कैसे लिखते हैं, और हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में दोस्तों मैंने बनाकर बताया आपको कि यदि आपको इंग्लिश में नाम लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे और यदि आपको हिंदी में लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, और वो भी दोस्तों मैंने दो दो डिजाइन से बताए हैं। पर्टिकुलर मैंने दो दो डिजाइन बताई हैं कि हिंदी में भी दो डिजाइन बताई हैं और इंग्लिश में भी दो डिजाइन बताई दोस्तों, कि दोनों डिजाइन में आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें डिजाइन बनानी है दोस्तों, और मोबाइल से नंबर भी दोस्तों। और ये सभी चीज़ मैंने चारपाई में नाम लिखकर दिखाया, हिंदी में लिखकर दिखाया, इंग्लिश में लिखकर दिखाया है, उसके साथ साथ दोस्तों मोबाइल से नंबर भी लिखकर दिखाए हैं, और मोबाइल से नंबर के पर्टिकुलर मैंने अक्सर भी बताए हैं कि 1 2 3 4 कैसे लिखेंगे, 7 8 कैसे लिखेंगे, 9 10 कैसे लिखेंगे, या 8 7 कैसे लिखेंगे, उस सभी के बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया दोस्तों। यदि वो भी आप देखना चाहें, या नाम लिखना चाहिए या मोबाइल से नंबर लिखना चाहिए, तो आप अपनी चारपाई में लिख सकते हैं। आपको पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया तो उसको आपको सीखना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 0 से लेकर आपको 9 तक गिनती सीखनी होगी, तभी आप बना पाएंगे दोस्तों। और ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर सीखना होगा, तो आप चारपाई में नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी में सभी अक्षर आपको सीखने होंगे, तो तभी आप दोस्तों नाम मान पाएंगे, जब आप सभी अक्षर सीख लेंगे तभी दोस्तों। तो मैंने सभी अक्षरों के बारे में कुछ चारपाइयों में हिंदी इंग्लिश में नाम लिख कर दिखाया है, तो उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं दोस्तों, और मोबाइल नंबर भी मैंने बनाकर बताया आपको, वो सभी चीज़ आप दोस्तों सीख सकते हैं।
कि किस प्रकार से हमें मोबाइल नंबर नाम बनाना है। अब दोस्तों इससे आगे आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आधा फुल बनकर ये तैयार हो गया है। ये बात का आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आधा फुल हमारा कहाँ बन गए। अब ये लहर मैं आपको मोड़ कर दिखाऊंगा दोस्तों कि लहर कैसे मोड़ते हैं, वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि लहर कैसे मोड़ते हैं दोस्तों, यही इसमें मेन बात है कि लहर को हमें मोड़ना आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि आधा फुल हमारा कब बन गया है, कहाँ पर बनाए, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये पार्ट टू में ये खास बात है दोस्तों सबसे पहले कि आधा फुल किस प्रकार से बना हमें पता रहना चाहिए और लहर ये किस प्रकार से मोड़ेंगे और किस प्रकार से डिजाइंस बनाएंगे दोस्तों, ये सभी चीज़ आप पता करेंगे तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे मैं ये डिजाइंस आपको अलग सिक्वेंस में बन जाएगी हमारी। अब पूरा आपको ये लहर भी मूर्ति भी नजर आएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से लहर को आपको मोड़ना है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखिए अभी एक रस्सी में नहीं पता चलेगा आपको, जब दो तीन रस्सी डल जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ लहर हमारी मोड़ दी गई है। और ये आप लास्ट में ब्लॉक में कैसे बंद करेंगे, जो हमारी डिजाइंस है वो ब्लॉक में बंद करनी है हमें, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आज ब्लॉक में कैसे बंद करते हैं। वैसे तो दोस्तों इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया था कि ब्लॉक में किस प्रकार से बंद करते हैं, कैसे लहरों को मोड़ते हैं, वो सभी चीज़ मैंने बताया। यदि वो वीडियो आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर राइट साइड में आई बटन होता है वहाँ पे मैं कुछ वीडियो डाल दूंगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसका पार्ट वन है वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या फिर आप दोस्तों स्क्रीन में लास्ट में वीडियो की स्क्रीन आती है एक वहाँ पर मिल जाएगा आपको, दोनों जगह आपको लास्ट में स्क्रीन में मिलेगा इसका पार्ट वन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा दोस्तों, तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी से पार्ट वन को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें डिजाइंस बनाई थी दोस्तों। ये बात का आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे पार्ट वन की, तभी आप आगे की डिजाइंस बना पाएंगे, क्योंकि पार्ट वन आपको बहुत, पार्ट टू, पार्ट थ्री सभी आपको बहुत ही काम आएंगे दोस्तों। ये आगे चलकर आप जब भी चारपाई बनाएंगे उसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री सभी को आपको देखना होगा दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो भी आप देखेंगे डिजाइंस बनाएंगे वो सभी पार्टों को आप देखिए। यदि एक भी पार्ट नहीं देखेंगे, पार्ट वन नहीं देखा आपने, टू देख लिया डायरेक्ट, तो आपको समझ नहीं आ पाएगा कि पार्ट वन में कैसे डिजाइन इन्होंने शुरू की थी दोस्तों, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पार्ट वन में फिर उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप जब भी वीडियो देखें अंत तक देखें और सभी पार्ट देखें दोस्तों तो ही आप उसमें समझ पाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे देखेंगे इसमें सीक्वेंस, सिर्फ ये लहर आप देखेंगे इसी के अंदर हमारा ब्लॉक में ये देखेंगे आपको फूल बनेगा और बाकी ये चार चार की लहर है, इस लहरों में कुछ नहीं, सिर्फ चार दबाई और चार उठाई, चार दबाई चार उठाई दोस्तों। अब ये चार उठा दी, फिर ये चार दबा दी, फिर चार उठा ली रस्सी, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना आपको, ये सिर्फ चार का ही सिक्वेंस चलेगा। हाँ दोस्तों सिर्फ एक इंटरफेयर कर सकती हूँ, आप चाहें तो ये लहर है, ये लहर आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको दोनों साइड में बनाना है ये डिजाइन है फूल की या एक साइड में बनाना है। यदि आपको दोनों साइड में चाहिए डिजाइंस या और भी मैंने डिजाइन बनाई थी सेंटर में तो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको दोनों तरफ बनाकर बता दूंगा दोस्तों। जब नेक्स्ट में डिजाइन बनाऊंगा मैं आपके लिए तो आपको दोनों तरफ डालकर बता दूंगा कि दोनों तरफ ये किस प्रकार से डिजाइन बनानी है दोस्तों, वो सभी चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। ये फिलहाल तो सिर्फ मैं सेंटर में डाल रहा हूँ और बाकी देखो लहर आपको धीरे धीरे देखेंगे तो मूर्ति भी नजर आ जाएंगी दोस्तों, तो इस प्रकार से लहरों को भी आपको मोड़ना है, ये विशेषकर आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हमें लहर मोड़नी। तो इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे डिजाइन आपका सिक्वेंस है ये आपको चेंज होता हुआ दिख जाएगा दोस्तों, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे आपको सिक्वेंस है ये चेंज करना है दोस्तों, तो इसी सीक्वेंस में आप ये हमारे डिजाइंस बनाएंगे और बनाकर दोस्तों आपको ये ध्यान रखेंगे सिर्फ ये किस प्रकार से हमें डिजाइंस बनाई है, तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, तो डिजाइंस आपको बनती हुई नजर आए दोस्तों। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, यदि आपको नौकड़िया की छकड़िया खाट देखनी है दोस्तों तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और उसमें भी दोस्तों मैंने डिजाइंस बनाई हैं,
जो नौकड़िया छकड़िया खाट होती हैं उसमें मैंने डिजाइन बनाई है, उसमें डिजाइन के फूल कैसे बनाना है वो सभी भी आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे दोस्तों। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया था कि नौकड़िया खाट में इस प्रकार से डिजाइन बनानी है, छकड़िया खाट में इस प्रकार चौकड़िया खटिया होती है हमारी, उसमें सभी में पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों। तो वो भी आप अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या वीडियो में आप कहीं भी चैनल पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको वीडियो बहुत सी मिलेंगी दोस्तों। उसमें आपको खटिया की सर्च करनी होगी नौकड़िया छकड़िया की खाट में तो आपको दिख भी जाएगी, उसमें बताया गया पर्टिकुलर कितनी रस्सी आपको दबानी है, कितनी रस्सी उठानी है, वो डिजाइन आप बन जाएगी दोस्तों। उसमें हमारा ज़्यादातर होता है हम 18 रस्सी डालते हैं, 12 रस्सी है, 8 रस्सी डालते हैं, इस प्रकार से रस्सी हम डालते हैं दोस्तों। उसमें भी दोस्तों हम ज़्यादातर 4 प्रकार से डिजाइन की बनाते हैं चारपाई। एक बनाते हैं दोस्तों छकड़िया की, सबसे पहले चौकड़िया खाट होती है, फिर छकड़िया खाट होती है दोस्तों, फिर नौकड़िया की और 12 कड़िया की। इस प्रकार से 3 डिजाइन की खाट होती है हमारे पास। अब जो भी आपको डिजाइन अच्छी लगेगी वो डिजाइन आप बना सकते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले चौकड़िया खाट अच्छी लगती है तो चौकड़िया बना लीजिए, ये नौकड़िया की अच्छी लगती है तो नौकड़िया की, यदि छकड़िया की खाट अच्छी छकड़िया एक 12 रस्सियों की खाट आती है 12 कड़िया की, वो 12 बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की डिजाइन के साथ बना सकते हैं खटिया दोस्तों, या फिर आप निवार के पट्टे में बना सकते हैं, या प्लास्टिक का पट्टा आता है उसमें बना सकते हैं, वो सब भी आपके ऊपर है कि आपको कहाँ चाहिए कब चाहिए। अब मेरा काम था दोस्तों आपको डिजाइंस बताने का, अब वो आपको बनानी आती है नहीं आती वो आपके ऊपर है दोस्तों कि किस प्रकार से हमने डिजाइंस बनाई दोस्तों। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे। और भी इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो हमारे बॉम्बू होते हैं, जो मुड्डे होते हैं, डोकरे होते हैं, उनसे बनाना सीख सकते हैं आप। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है कि डोको से किस प्रकार से वो बनाए जाते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए धीरे धीरे दोस्तों इस प्रकार से रस्सी आपको यहाँ अलग डिजाइन से बन गई हमारी, यहाँ भी अलग डिजाइन बन गई दोस्तों, और यहाँ पे भी अलग डिजाइन बनेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप डालेंगे ये रस्सियाँ आपको तो अलग डिजाइन बन जाएगी दोस्तों, ये सभी आपको अलग चारों कोणा में 4 अलग अलग डिजाइन हमारी बनेगी दोस्तों। पार्ट 1 में आप देखेंगे तो अलग डिजाइन मिलेगी हमारे को, पार्ट 2 में अलग डिजाइन मिलेगी आपको दोस्तों, ये सभी आपको अलग 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 डिजाइन ही मिलेगी दोस्तों। तो इस प्रकार सभी आपको डिजाइन देखनी है, और सभी डिजाइन के साथ साथ दोस्तों एक एक रस्सी देखेंगे तो उसमें एक एक पार्ट में आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किस प्रकार से हमें रस्सी डाली जाती है, तो वो आप समझ पाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको ये सभी एक एक रस्सी का दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आप आसानी से देख सकें दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये डिजाइंस आप बनाएंगे, अब आगे डिजाइंस कैसे बनानी है दोस्तों वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा कि आगे की डिजाइंस कैसे प्रकार से बनानी है, उसे आगे ब्लॉक में बंद कैसे होगा, उससे आगे कैसे स्टार्टिंग करेंगे, वो सभी दोस्तों आपको पार्ट 2 में बताऊंगा मैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।